सो अभी सुबह के 6 भी नहीं बजे और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे अपने घरों के अंदर। सो अभी बच रहे हैं सुबह के 6 और अभी जा रहा हूँ मैं अपनी प्रैक्टिस पर। सो मैं अपना आपको मॉर्निंग का शेड्यूल दिखाता हूँ कि सुबह की प्रैक्टिस पर हम क्या करते हैं। सो अभी मैं आ चुका हूँ श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल और मैं यहीं पर प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे साथ है यहाँ पे मेरे ग्राउंड मेट्स। सो सबसे पहले है तनुज और फिर है रजत और फिर है अज्जू और यहाँ पर है प्रीत। सो मैं प्रीत और रजत तो इनफैक्ट एक ही स्कूल से हैं और हम सभी एक दूसरे को ऑलमोस्ट 6 से 7 साल से जानते हैं, जब से हमने आर्चरी की है, आर्चरी शुरू की है। उससे पहले से ही 1 साल पहले से हम आपस में सारे एक दूसरे को जानते हैं। सो आज है सैटरडे और थर्सडे को हम क्रॉस कंट्री करने जाते हैं मॉर्निंग के टाइम पर और वो होती है ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर। अच्छे से दिखाऊंगा। अभी तो हम यहाँ पर मेडिक एक्सरसाइजेस करने वाले हैं बिकॉज मॉर्निंग में हम योगा और मेडिक एक्सरसाइजेस करते हैं बिकॉज आर्चरी एक मेंटल कंसंट्रेशन का गेम है। सो मेंटल फोकस भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकल फोकस। सो यहाँ पर हम डेली एक्सरसाइजेस करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे वज्रासन के साथ। अभी हम वज्रासन के अंदर एक और आसन करने वाले हैं। इसमें आप अपने हाथों को सबसे पहले इस पोजीशन में करिए और इस पोजीशन में करने के बाद जितनी भी आपकी लंग्स के अंदर एयर है, एक्सेसिव एयर है, उसको ब्रीथ आउट कर लीजिए। तो वो एयर ब्रीथ आउट करने के बाद आप अपनी जो नाभि है उस पर ये दोनों हाथ टच करिए और आगे की तरफ आपको बेंड होना है। आगे की तरफ बेंड होने के बाद ये आसन, इस आसन के अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, सो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए ये आसन बेनिफिशियल है। जितने भी लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, सो पहले ऐसे कीजिए और एक्सेसिव एयर ब्रीथ आउट एंड देन बेंड। आप पद्मासन पोजीशन में बैठ जाइए और पद्मासन पोजीशन में बैठने के बाद
8 बज चुके हैं और अभी ग्राउंड से जाने का वक्त आ चुका है। आने के बाद मैं रेस्ट ही कर रहा था, तभी स्कूल से कॉल आता है कि मुझे स्कूल में जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी 12th क्लास की मार्कशीट आ गई है, वो अभी तक आई नहीं थी। मैं भी इंतजार में था बिकॉज कॉलेज के एडमिशन्स के लिए हर जगह मार्कशीट रिक्वायर थी, तो मैंने कल पता किया तो आज मार्कशीट आ चुकी है। सो मैं और हेमंत अभी स्कूल में जाएंगे, हेमंत मुझे पिक करने आ रहा है, फिर आज स्कूल दिखाता हूँ मैं आपको कि कौन सी हमारी क्लास थी और पूरा स्कूल का मैं एक कोशिश करूँगा इफ़ पॉसिबल टूर करने की। सो उससे पहले मुझे क्लोथ्स भी चेंज करने पड़ेंगे बिकॉज ग्राउंड से आया था और हुलिया वही है और हेमंत बस आने ही वाला है। सो आई एम ऑल सेट टू गो टू स्कूल और स्कूल में मैं पहले हेमंत के साथ जाने वाला था बट फिर हेमंत को कोई इमरजेंसी आ गई उनकी फैमिली में, सो हेमंत नहीं आ रहा है और अभी मैं पीयूष के साथ जाऊंगा। सो मैं अभी अपनी एक्सेस लेके जा रहा हूँ स्कूल में। सो अभी मैं आ चुका हूँ अपने स्कूल के अंदर, ये है मेन गेट हमारे स्कूल का और ये कोरोना की वजह से सर्कल्स बना रखे हैं। सो फाइनली मैंने अपनी मार्कशीट कलेक्ट कर ली है और ये है हमारे स्कूल की सबसे मेन अट्रैक्शन और ये एक फाइटर जेट है और ये वॉर में यूज्ड जेट है और ये हमारे स्कूल का यहाँ पे रिसेप्शन है। तो ये है हमारे स्कूल की मेन एंट्रेंस और वो थी मेरी 9th क्लास और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सामने की तरफ है हमारा मेन ग्राउंड, ये यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते थे पूरी दोपहर ही, यहाँ पे हमने कई जितने भी मैचेस खेलने गए हैं काफ़ी सारे उससे पहले हमने वहाँ प्रैक्टिस की है। और सो पहले तो यहाँ वहाँ पे टारगेट था हमारा बट अभी कोई है ही नहीं, स्कूल बंद है तो अभी टारगेट शायद उठा रखा है। और ये हमारा मेन फुटबॉल ग्राउंड, वो हमारी स्टेज, वहाँ पर मेरा एनुअल फंक्शन हुआ था और फर्स्ट टाइम कोई स्टेज परफॉर्मेंस मैंने वहीं पर दी थी। और ये हमारी कैंटीन, यहाँ पे खाना खाते थे हम, रिसेस में घूमते रहते थे यहीं पर। और कैंटीन के जस्ट ऊपर थी मेरी फर्स्ट क्लास, वो थी मेरी 8th क्लास, 9th मैंने आपको पहले दिखा दी थी और ये थी मेरी 10th क्लास। और 11th 12th फर्स्ट फ्लोर पे थी, ऊपर का भी बंद है तो ऊपर का दिखा नहीं सकते। और फिर अगर मैं बात करूँ पीछे, वहाँ पर है स्विमिंग पूल, जिम और शूटिंग रेंज हमारे स्कूल की और ये पूरा है हमारे स्कूल का ग्राउंड। और पूल वाली बिल्डिंग के जस्ट सामने है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट और मुझे यहाँ पे याद है कितनी बार हाथ तुड़वाए हैं हमने इस बास्केटबॉल कोर्ट में और काफ़ी मज़ा आता था यहाँ पर खेलने में। और बास्केटबॉल कोर्ट के जस्ट ऑपोजिट में है ऊपर की तरफ ऑडिटोरियम है और ऑडिटोरियम का रास्ता वो रहा। और जो मेरे राइट साइड में है ये बिल्डिंग है छोटे बच्चों की, ये पूरी बिल्डिंग किंडरगार्टन विंग है, इसमें नर्सरी यूकेजी एलकेजी और इसी बिल्डिंग के राइट साइड में है ये सारी लैब्स। और ये है फिज़िक्स लैब और सामने आगे है केमिस्ट्री लैब। तो इस वीडियो का रखते हैं इतना। इफ़ यू लाइक दिस शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग फॉर व्हाट्सो एवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर करो, कमेंट करो और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और कभी भी घर से बाहर जाओ मास्क लगाओ, हेलमेट लगाओ और कंप्लीट सेफ्टी मेंटेन करो बिकॉज अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी इसलिए मैंने नहीं लगाया, अभी पीयूष ने भी लगा रखा और अभी मैं भी मास्क लगाऊंगा और हेलमेट पहनूंगा। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी। वज्रासन करेंगे, बंद करो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर।